नमस्कार, पल पल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज सिरसा में हमारे स्टूडियो में एक उत्तर भारत के वरिष्ठ जर्नलिस्ट श्री नरेश कौशल जी, जो दैनिक ट्रिब्यून में अनेक वर्षों तक जुड़े रहे हैं, वह उसका संपादन भी किया है। हम उनसे जानेंगे इन चुनावों में जनता के मुद्दे क्या हैं। मैं आज बात करूंगा राजनीतिक दलों के मुद्दों पे नहीं, बल्कि जनता के मुद्दों पर। कौशल जी, हर 5 वर्ष बाद चुनाव आते, लेकिन राजनीतिक दल जनता से वादे करते हैं, उनमें से कुछ पूरे करते हैं, कुछ झूठे वादे साबित होते हैं। क्या कोई ऐसा चीज़ नहीं होनी चाहिए चुनाव कमीशन राजनीतिक दलों पे एक अंकुश लगाए, जो वो वादे करें उनको पूरा करें और एक पूरा टाइम फ्रेम दें भी वो उन वादों को कैसे पूरा करें? आपका क्या मानना है? सुरेंद्र भाटिया जी, पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और सिरसा में मैं बड़ी देर के बाद आया हूँ, सिरसा के लोगों को नमस्कार। आपका स्नेह जैसे हमेशा बना रहा है, आपने कुछ ज़्यादा कहा मेरे बारे में, आपका मैं आभारी हूँ। आपने जहाँ तक राजनीतिक जो समीक्षा है, जो वर्तमान परिस्थितियाँ हैं उसके बारे में जो बात की है, मैं उसके 2-3 पहलू का जिक्र करना चाहूँगा। एक तो हमारे देश का की पूरे दुनिया में क्या स्थिति आज है और उसका श्रेय किसे जाता है, एक बात। नंबर 2, देश की आंतरिक स्थिति और इसका जो एक स्वरूप, धर्मनिरपेक्ष स्वरूप या उसका ताना बाना, क्या वो बना रहना चाहिए कायम या नहीं, या क्या वो है या उसको कोई खतरा है। 2 बातें मैं ये बाद में करूँगा, लेकिन पहला, क्योंकि आपका सवाल जुड़ा हुआ था चुनाव आयोग से और ये जो राजनीतिक दलों के जो प्रक्रिया है उसके बारे में, जो घोषणा पत्र है, घोषणा पत्र के बारे में। इसमें मैं, क्योंकि बहुत ज्यादा वार्ता लंबी ना हो, हम संक्षिप्त में बात करें। सबसे बड़ा मुद्दा जो मैं कई बार वार्तालाप में अक्सर उठाता रहा हूँ कि ये जो घोषणा करती हैं पार्टियां कि हम इतने हजार रुपया न्याय के नाम पर किसी योजना को देंगे, या हम किसानों को 6,000 रुपया साल में देंगे, कोई भी है, चाहे पार्टी, चाहे वो आप है, चाहे बीजेपी है या कांग्रेस है, चुनाव आयोग को एक ऐसा अंकुश लगाना चाहिए, एक ऐसा दिशा निर्देश जारी करना चाहिए कि भाई ये पैसा आपने जो वायदा किया है ये पार्टी ने किया है, सरकार ने नहीं किया। जो पैसा आप सरकारी खजाने से लोगों में बांटेंगे वो तो मतदाता का ही है, वो तो इनकम टैक्स का है, रेवेन्यू जो विभिन्न स्रोतों से इकट्ठा होता है उसका है। तो मेरा कहने का अभिप्राय ये है कि चुनाव आयोग को धड़ल्ले से और बड़े अपनी ताकत से बिना किसी चीज के झुके याद करना चाहिए TN शेषन के जमाने को, जिन्होंने चुनाव आयोग को नई दिशा, नए आयाम जो दिए, और उसके बाद 1-2 और भी जो बाद में चुनाव आयुक्त हुए, मुख्य चुनाव आयुक्त हुए, उन्होंने अच्छे अच्छे कई स्टेप उठाए हैं। लेकिन सबसे बड़ी गंभीर समस्या ये है कि ये जो पैसा जो है सरकारी खजाने का, ये जो पॉपुलर जो योजनाएं हैं, लोक लुभावन जो बातें की जाती हैं, इस पे जो अंकुश लगना बहुत जरूरी है। कौशल जी, मैं पिछले कुछ सालों से, आप जानते हो मैं भी पत्रकार हूँ, मुझे कई बार बड़ा अचंभा होता है। एक तरफ तो डेवलपमेंट के कामों को रोक दिया जाता है, डेवलपमेंट जो है कंटिन्यू प्रोसेस है, लेकिन एक तरफ बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, हम गरीबी हटा देंगे, हम इतने पैसे इस योजना में डालेंगे, गरीबों को ये देंगे, और उनको पूरा नहीं किया जाता। जैसा कि कुछ दल ऐसे हैं, मैं दोनों दलों का अगर नाम लूं, राम मंदिर का जो है
भारतीय जनता पार्टी पिछले कम से कम चार प्लान से, वैसे तो 91 से राम मंदिर का आंदोलन चला और उसके बाद जब भी भारतीय जनता पार्टी ने अपना घोषणा पत्र दिया उसने राम मंदिर को बनाने की बात कही। इसी प्रकार कांग्रेस ने गरीबी हटाओ 1971 में इंदिरा जी ने कहा था, तो आज तक गरीबी हटाओ की बात चल रही है। क्या राजनीतिक दलों को यह नहीं कहा जाना चाहिए कि वो केवल वो घोषणा करें जिनको पूरा करें, अगर वो पूरा नहीं करेंगे तो उनको डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाए? इसमें भाटिया जी सबसे जो जिम्मेदार मैं कहूंगा वो मतदाता है। पहली बात, अगर मतदाता सजग हो, अगर मतदाता अपने विवेक से अपने विजडम से अगर कोई फैसला ले बिना किसी से प्रभावित हुए बाहरी चीजों से, तो इन लोगों को जो ऐसे वायदे करते हैं और बाद में मुकर जाते हैं या पीछे हट जाते हैं, तो उनको सबक सिखाया जा सकता है। पहली बात तो यह है। दूसरी बात, आपने जैसे ये राम मंदिर की या गरीबी वाली बात की है, राम मंदिर की जहां तक बात है भारतीय जनता पार्टी, कितने दुर्भाग्यपूर्ण बात है, चाहे वो इंदिरा गांधी की गरीबी हटाओ ये बात है चाहे इनकी, इन्होंने ना केवल राम मंदिर के मुद्दे से पीछे हट गए हैं बल्कि राम जो इनको राम की जो यात्रा निकाली है अडवाणी ने, उसके कंधे पे सवार होकर ये यहाँ तक पहुंचे और बाद में उनको ही डस्टबिन में फेंक दिया। तो राजनीति में जैसे कहते हैं कोई किसी का स्थायी मित्र नहीं और दोस्त नहीं, लेकिन ऐसे जो बुजुर्ग हैं या जिन्होंने देश के लिए कुछ किया पार्टी लेवल से ऊपर उठ के, अटल बिहारी वाजपेयी जैसे जो कदावर नेता है, तो इन लोगों को ये बड़े बहुत ही ये भी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि आज हम किसी भी जो लीडर है उसको पार्टी के साथ उसका चक्का कर देते हैं, उसको ये फुला बंदा ऐसा नहीं होता। दूसरा मैं एक चीज आपके सामने और लाना चाहूंगा। एक तो ये जो मुद्दे थे, राम मंदिर का मुद्दा था और गरीबी का मुद्दा था, वो आज तक नहीं हुई। दूसरा मुद्दा ये है, जैसे अभी सैकड़ों करोड़ रुपया नकदी पकड़ी जा रही जी, और पूरा देश जानता है और मीडिया भी बड़ी अच्छी तरह से जानता है भी कितना खर्चा होता है। क्यों ना चुनावी खर्च, अब सोशल मीडिया का जमाना है, चुनावी खर्च पर पूर्ण रूप से बैन हो और सरकार ये सुविधाएं, सरकार के पास क्या है, 5-6 उम्मीदवार हैं, सरकार उनको सुविधा दे दे भी आप स्कूल में जाओगे, गांव के स्कूल में जाओगे, आपको वहां मंच मिलेगा, आपको चेयर मिलेगी और आप वहां जाके अपना भाषण दो और ये चुनावी खर्च पे पूर्ण रूप से बैन लग जाए, तो शायद जो करप्शन हटाने वाली बात है, अभी भी हम जानते हैं कि हमारी जो पब्लिक है वो बेचारी गरीबी रेखा से बहुत नीचे है और उनके लिए 5,000-4,000 और शराब की बोतल और आटे का एक गट्टा या कुछ राशन बहुत बड़ी बात होती है। तो जब तक हम चुनावी खर्च जो लाखों करोड़ रुपया खर्च होता है उसके साथ साथ अगर सरकारी फंड से राजनीतिक दलों को मुहैया करा दी जाए प्रचार, तो क्या इससे करप्शन पे असर नहीं होगा? बिल्कुल होगा, लेकिन सवाल तो ये है कि हमारी जो व्यवस्था है वो इस तरह से आज बनी हुई है कि ये बहुत ज्यादा संभव ही नहीं लगता। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, इस चुनाव के ये 2016 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक बॉन्ड की योजना शुरू कर दी चुनाव के लिए, यानी कि कोई भी कंपनी बैंक में पैसे जमा करा के उसका बॉन्ड जो कि 15-20 दिन तक वो वैलिड होता है बॉन्ड, वो बॉन्ड किसी पार्टी के नाम दे सकती है और पार्टी अपने खाते में जमा कर लेगी और कोई भी व्यक्ति, किसी को भी ये अधिकार कानूनी तौर पर नहीं होगा कि वो बैंक से ये पूछ सके कि वो पैसा किसका था, कहाँ से आया, कहाँ चला गया। एक बात, हम तो बात आप अच्छी बात कर रहे हैं, मैं आपकी बात पर उस तरह से ही आपकी भाषा में जवाब देना चाहता हूँ, लेकिन सवाल तो ये है कि ऊपर वाले क्या कर रहे हैं। अब देखिए, आप पंजाब ले लीजिए, हिमाचल प्रदेश ले लीजिए, मध्य प्रदेश ले लीजिए, किसके ज्यादा राज रहे हैं, राजाओं के, और अगर राजे नहीं है तो बेताज बादशाह है, जिनके अरबों खरबों रुपए के बिजनेस हैं उन्हीं वही पावर में है या उनके आगे बच्चे आ रहे हैं, इट हैज बिकम लाइक ए बिजनेस।
छोटा मोटा आदमी तो कहीं खड़ा हो ही नहीं सकता। नहीं, मैं इसीलिए देखो अगर कुछ चुनाव आयोग ने स्टेप उठाए हैं, उदाहरण के तौर पे अगर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 15 आदमी खड़े होते थे तो 15 आदमी पर्चियां प्रिंट करवाते थे, फिर उसकी डिस्ट्रीब्यूशन होती थी। अब पिछले दो चुनाव से चुनाव आयोग स्वयं पर्ची हर मतदाता के पास पहुंचा रहा, तो वो जो है उसका फंड जो है वेस्टेज जो हो रही थी। किसी व्यक्ति ने वोट देने जाना है उसको पता होना चाहिए भी उसका वोट नंबर क्या है, और वो सरकार अब मुहैया कराने लग गई है। इसी प्रकार जब पार्टियों को आरटीआई से आप दूर रखते हो और छोटी छोटी जगह पे आप आरटीआई लगाते हो, तो ये केवल इसलिए हो रहा है, आप चंदा भी ले रहे हो, आप बॉन्ड में भी ले रहे हो, क्योंकि आपको करोड़ों अरबों रुपए खरबों रुपए इलेक्शन पे खर्च करने हैं, जहाँ सरकार लगभग 1,00,000 करोड़ रुपए का बजट चुनाव पे लगाती है। मेरा ये मानना है अगर सरकारी स्तर पे जैसे 543 कॉन्स्टिट्यूंसी में 1,00,000,000 रुपए एक्स्ट्रा सरकार लगा दे तो हो सकता है सभी उम्मीदवारों को जो अरबों रुपए लगाने की जरूरत नहीं होगी। तो मतदाताओं को इस मामले में भी जागरूक होना चाहिए, कौन कैंडिडेट कहाँ से पैसा खर्च कर रहा है, और जो 20,000 रुपए पेंशन के लिए और इतनी सुविधाएं के लिए किस तरह वो पैसे पूरे करेगा, तो भ्रष्टाचार की जड़ तो चुनाव से ही शुरू हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही फरमाया। यहाँ पे जहाँ तक आपने चुनाव आयोग की बात की है कि उसने कुछ स्टेप उठाए, कुछ नहीं, मैं तो टीएन सेशन से बात कर रहा हूँ कि बहुत से व्यापक सुधार जो है चुनाव प्रक्रिया में हुए हैं, और इनमें एक सुधार तो इस बार जो साधुवाद भी हम दे सकते हैं कि प्रधानमंत्री की फिल्म जो है वो रिलीज होने वाली थी, तो और कुछ बातें हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने या तो रोकी हैं या चुनाव आयोग ने भी रोकी है, तो ये स्टेप तो जरूर उठाए जाते हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात ये है भाटिया जी, आज एक कैंडिडेट ऐसा खड़ा कर दो जो आपकी बात जो आपने अभी कही है कि पैसे लेकर चुनाव नहीं लड़ना है या इतनी पूंजी से चुनाव लड़ना है, वो आदमी की जमानत जब्त हो जाएगी। बात मैं वहीं लेकर आता हूँ जैसे आपने भी मतदाता के जागरूक होने की बात की है कि सबसे बड़े जो बात है वो हमारा मतदाता है। ये सबक मतदाता को ही सिखाना होगा कि चुनाव आयोग भी मजबूर हो जाए और सरकार भी मजबूर हो जाए, ताकि वो अच्छे स्टेप और चुनाव प्रक्रिया में सुधार हो, हमारे लोकतंत्र की जो जड़ें हैं वो और कौशल जी आज इतना ही, हम आशा करेंगे हमने जो बातें उठाई हैं हमारे जीवन में नहीं, लेकिन क्योंकि एक राज्य के लिए कुछ जो 10-20 साल का जो समय होता है वो बड़ा कम होता है, हमें लगभग 72 साल हो गए आज़ादी को, हो सकता है जब ये देश 100 साल आज़ादी के मनाए तो हमारी जो बातें हैं सरकारी फंड से चुनाव हो, ताकि जो पार्टियों को राजनीतिक दलों को चंदा लेने के लिए एक बहाना होता है, कंपनियों से पैसा लेने के लिए एक बहाना होता है, और हमारा मतदाता भी इतना जागरूक हो जाए वो ये देखे कौन सा राजनीतिक दल कौन सा जो उम्मीदवार है वो खर्च कर रहा है, अवैध रूप से कमाए हुए धन से चुनाव लड़ रहा है। तो हम इसी आशा में हमारी ये जो भावनाएं हैं वो ना केवल राजनीतिक दल बल्कि चुनाव आयोग भी समझे। आज इतना ही, नमस्कार। धन्यवाद। नमस्कार।